आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम एक प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। हमारे एक स्टूडेंट है मिस्टर डॉक्टर जसपाल सिंह भट्टी। उन्होंने मुझे एक फाइल भेजा था, बस उनकी फाइल तो अलग फाइल थी, लेकिन मैं इनको थोड़ा सा बुला दिया है क्योंकि मैं उनकी ऑफिशियल रिपोर्ट को नहीं दिखा सकता आपको सर। तो बेसिकली उनके पास मंथली डेटा होते हैं कुछ इस तरह से, जिसमें यहाँ पे इंस्टीट्यूट के नेम होते हैं, यहाँ पे उनके हेडिंग्स है और उनके एक नंबर्स होते हैं। तो नंबर आप यहाँ रिपीटेड दिख रहा होगा, इस ए आपका मंथली होता है, ए आपका प्रोग्रेसिव होता है। उनका स्टार्ट मंथ मई अप्रैल से होता है। जब मई में आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए 4 और 3 एड होके 7 हो गया, मतलब कि अप्रैल का और मई का दोनों का एड होके यहाँ पे 7 हो गया। ऐसे जून ऐसे जुलाई कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। तो अब उनको रिपोर्ट में क्या चाहिए? बेसिकली उनको रिपोर्ट में चाहिए कि नेम वाइज, इनका जो कॉलम हेडिंग है वो टाइप वाइज, और यहां से मैं जिस महीने का सिलेक्ट करूं, मैं सिलेक्ट करता हूं अप्रैल का तो अप्रैल का आ जाए, सिलेक्ट करता है मई का तो मई का आ जाए, मंथली तो मंथली आए, प्रोग्रेसिव तो प्रोग्रेसिव आए। जब प्रोग्रेसिव सिलेक्ट, मान लो मई को सिलेक्ट किया, जब प्रोग्रेसिव किया तो मई में जो है यहाँ ए डेटा आना चाहिए। मंथ सिलेक्ट किया, अगर मैंने प्रोग्रेसिव ने मंथली सिलेक्ट किया तो ऊपर वाला आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं ऑल कर देता हूँ, ऑल कर देता हूँ, ऑल ऑल में प्रोग्रेसिव नहीं सिर्फ मंथली होगा, मंथली प्रोग्रेसिव सेम होता है। ऑल मतलब हुआ कि सबसे लास्ट वाला जो महीना है उसमें जो आपका इसका टोटल है प्रोग्रेसिव का वो आना चाहिए, क्योंकि ये तो टोटल 18 जो दिख रहा है, ये मई जून जुलाई का 11 11 4 15 15 3 18, तो सबका टोटल आना चाहिए। यहाँ पे प्रोग्रेसिव का आना चाहिए, जो सबसे लास्ट वाला सीट है उस लास्ट सीट के प्रोग्रेसिव को यहाँ ऑल में शो करना है, चाहे वो मंथली हो चाहे प्रोग्रेसिव हो। समझ में आया प्रॉब्लम आप लोगों को? जी सर। रक्षित जी, जीतू जी, अब नायक जी, अखिल जी, प्रॉब्लम समझ में आया? जी सर। अब चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं पहले से ये लगा रखा था फॉर्मूला, डिलीट कर देता हूँ, मैं शुरू से बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैच लगाया, मैच लगा के चेक किया कि इसका अप्रैल में इसका, मैं एक काम करता हूँ, अप्रैल से चलता हूँ पहले महीने से, और हम बाद में देखेंगे, पहले हम अप्रैल चलते हैं। यहाँ पे हमने लगाया फॉर्मूला मैच, मैच में हमने अप्रैल में गया और इसको सिलेक्ट करके, नहीं गलत कर दिया, एक मिनट, इक्वल मैच, मैच में हमने इसको सिलेक्ट किया कॉमा, अब यहाँ पे गए इसको सिलेक्ट करके कॉमा 0 कर दिया, तो यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है। मतलब कि इसको इसने लुकअप किया, लुकअप करने के बाद रो नंबर उसने 2 बताया, मतलब क्या हुआ कि ये मर्ज सेल है इसलिए 2 ए दिखा रहा है, ये नहीं दिखाएगा, तो सबका ए ऊपर वाला वैल्यू रो नंबर ही दिखाएगा। समझ गया सर? तो जब आप एक चीज यहाँ पे ध्यान लीजिए, जब आपके पास सेल मर्ज होता है और उस पर आप लुकअप करते हैं तो वैल्यू लुकअप कर लेता है, लेकिन उसका सिर्फ ऊपर की वैल्यू ही शो करता है। ओके सर। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं।
अब इसमें हमने रो नंबर पता कर लिया, तो यहाँ पे हम एक और कॉमा लगाएंगे जो कि होगा कॉलन का। तो हमने इसको सिलेक्ट किया और हम अप्रैल में चले गए और इसका मैच लगा कर चला दिया। कॉलम नंबर पता चल गया। तो हमने इससे क्या बोलते हैं कि इसका इस फील्ड का और इसका रो एंड कॉलम नंबर हमने यहाँ पे पता कर लिया हुआ है। लेकिन मैं इसको, क्योंकि मेरे पास कई सारे शीट्स हैं और मैं इससे इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो इनडायरेक्ट वाला मेथड में अपनाऊंगा। मैं इसको डिलीट किया, इसको लिया और हमने इसको सेलेक्ट किया और एन परसेंट लगा दिया। लेकिन कंबाइन होने के बाद इसको इनडायरेक्ट के लगाना पड़ेगा, तभी तो ये हो पाएगा। तो इनडायरेक्ट हमने लगाया और इसको कर दिया। तो अब क्या होगा कि ये मैच कैसे वर्क करेगा, तो जो भी महीना मैं सिलेक्ट करूंगा उसी महीने के अंदर के जाके रो नंबर एंड कॉल नंबर देगा हमें। तो इसको हमने अपने ड्रॉप डाउन से ये कर दिया है, लिंक कर दिया। ठीक है सर, अब मेरे पास डेटा का रो नंबर कॉलम नंबर है, मुझे इसका डेटा चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे किसका, एड्रेस का। एड्रेस या हम एड्रेस ना लगा के हम ऑफसेट भी लगा सकते हैं कि ऑफसेट। ऑफसेट में हमने बोला कि अप्रैल के अंदर जाना, इसको सिलेक्ट कर लो और हमने बोला कि मैच हमारा जो मैच है, मैच का रो नंबर एंड कॉलम नंबर हम यहाँ पे उठा लेते हैं। ठीक है, तो लेकिन जैसे हमने आपको बताया था कि मैच जीरो से चलता है, तो हमें दोनों में से माइनस वन करने पड़ेंगे। तो ये समझ में आया सर आपको, अक्षित जी, माइनस वन। तो हमारी रिपोर्ट आ गया, मैं जिस महीने का सिलेक्ट करूंगा उस महीने का रिपोर्ट आ जाए। लेकिन यहाँ पे भी अप्रैल है तो मुझे यहाँ भी इनडायरेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम रिजल्ट यहां ला दिए, रिजल्ट आ गया। अब जो हम सा महीना सेलेक्ट करेंगे उस महीने का रिजल्ट आएगा। अप्रैल करूंगा तो अप्रैल, जून करूंगा तो जून। ठीक है, ये चीज हमने देख लिया। अब इसमें इसको लिंक ए कर देते हैं, कॉपी करके, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं रो में B4 को, और यहाँ भी इसको कॉपी करते हैं और इसमें हम C4 को, और फिर इसको कट करके हम ऊपर रखते हैं। ये हमारा रिजल्ट बन गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम प्रोग्रेसिव देखना चाहे तो, हम अगर प्रोग्रेसिव देखना चाहे तो कैसे होगा, तो इसमें भी हम यहाँ पे कंडीशन दे देंगे मैच में, यहाँ जो ये आपका रो नंबर है ना माइनस वन जहां पे कर रखा है, यही पे देंगे कि इफ अगर ए इक्वल टू PRG। सॉरी,
PRG ऐसा हुआ तो हम इसमें माइनस वन नहीं करेंगे। PRG नहीं है तो हम माइनस वन करेंगे, बस इसके अंदर हमने एक इफ घुसा दिया। हो गया। अगर मैं यहाँ पे मंथली प्रोग्रेसिव करूं तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि पहले महीने में सेम होता है, मैं मई करता हूँ, देखिए प्रोग्रेसिव में सेवन आ गया। अब मुझे आगे ड्रैग करना है इसको, इसको हमें आगे ड्रैग करना है, तो इसका फ्रीज वगैरह करना पड़ेगा ना सर। ये हमारा B1 फिक्स है तो वी हैव फ्रीज, C1 ऑल्सो फिक्स है तो हमने यहाँ पे फ्रीज कर दिया, और A4 का सिर्फ A फ्रीज होगा, B1 फिक्स होगा, A4 का A फ्रीज होगा एंड V1 फिक्स होगा, और यहाँ पे B3 है मतलब कि ऊपर वाली वैल्यू है तो इसका 3 फ्रीज होगा, बी नहीं होगा, और यहाँ B1 तो फ्रीज होगा ही होगा। अब यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया, समझ गए। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ मंथली हमें शो कर रहा है, हर महीने का शो करेगा, सिर्फ मंथ का, समझ गया सर। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऑल करूं तो ऑल का सिलेक्ट हो, तो ऑल में जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि हमें ऑल में प्रोग्रेसिव का, यहां आप देख रहे हैं तो प्रोग्रेसिव का टोटल तो सेम ही होगा, मतलब कि जो प्रोग्रेसिव टोटल होगा, अगर हर महीने का प्रोग्रेसिव टोटल किया जा रहा है तो गलत होगा, और हम मुझे हर महीने का ऊपर वाला टोटल जो कर रहे हैं, ये टोटल तो पता ही हमें कि जून में यहाँ कंसोलिडेट हो गया है, तो सबसे लास्ट सीट का टोटल दिख, जब मैं ऐसे ऑल सेलेक्ट करूं तो वी हैव फाइंड आउट द लास्ट सीट, तो लास्ट सीट का डेटा हमें यहाँ पे शो होना चाहिए। सीक्वेंस होगा यहाँ पे अप्रैल मई जून सीक्वेंस होगा, तो लास्ट सीट का डेटा हमें आना चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि इसके लास्ट सीट का नेम क्या होगा ये हमें पता नहीं है, तो इसके लिए हमें एक VVA की मदद लेनी पड़ेगी, बस एक छोटा सा सिंपल सा एक फॉर्मूला हमें बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा कि फंक्शन सीट नेम SN के नाम से बनाया मैंने, और बीच में कुछ नहीं दिया हमने, और हमने बोला कि SN इक्वल टू सिंपल सा लिख दिया कि सीट्स सीट डॉट काउंट माइनस वन, हमने माइनस वन डॉट नेम कर देते हैं यहां पे, माइनस वन क्यों किया, क्योंकि लास्ट सीट तो हमारी रिपोर्ट की होगी, लास्ट सीट हमारी रिपोर्ट की होगी सर, तो इससे एक सीट पहले की, तो हमने यहां पे एक इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और एडिट करते हैं। सारा फॉर्मूला सेम होगा, अब इसमें एक दिक्कत आ गया कि इसमें हमारा जो B1 है अब इसमें दिक्कत हो गया, तो हम यहां पे कर्सर रखते हैं और अपना फॉर्मूला मर्जिंग मेथड में जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा ना सर, इसलिए यहां पे हम कंडीशन देते हैं। कंडीशन ये होगा कि इफ, यहाँ पे इफ कंडीशन होगा कि इफ हम नेम मैनेजर में ही फॉर्मूला दे देते हैं, या फिर नेम मैनेजर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं यहाँ इस पे कर देता हूँ कि इफ अगर ए इक्वल टू ऑल है तो आ जाए SN, SN अदरवाइज जो ऊपर है वही रहेगा, ठीक है। और हमने यहां पे जहां में B1 लिख रखा है बस उसको B2 कर देना है और कुछ नहीं, इससे फॉर्मूला आपका बढ़ेगा नहीं,
बना फॉर्मूला काफी बड़ा हो जाता है फिर इसी के अंदर इफ कंडीशन डालते तो। अगर दिक्कत है तो यही फॉर्मूला सेम फॉर्मूला नेम मैनेजर में डाल दीजिए, नेम मैनेजर यहाँ ला देगा, तो बड़े फॉर्मूले से आप बच जाएंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। रिकॉर्डिंग दे दीजिए सर। मनोज जी आज भी आप सबसे क्लास खत्म होने के समय आए, टाइम सूट नहीं कर रहा है क्या सर? सर ये टाइम आपने आपको पहले ही कहा था 7:30 बजे उठने का टाइम है तो थोड़ा सा अलार्म का वॉल्यूम तेज कर लीजिए सर, हो जाएगा एडजस्ट, एक दो दिन तो दिक्कत लगेगा ये सर। अब यहाँ पे अब मैं यहाँ पे हाँ यहाँ पे मैं अगर मंथली दूं तो मंथली में ये दिख रहा है आपको सर, फिर मंथली में एरर आ गया। मंथली में यहाँ एरर आ गया ना सर, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि अगर ये ऊपर वाला ऑल हो तो यहाँ मंथली प्रोग्रेसिव कुछ नहीं न्यूट्रल हो जाना चाहिए। तो यहाँ हमने आपको एक इफ फॉर्म बताया था कि यहाँ पे सी प्रोग्रेसिव है, तो इसी में मैं एंड का फॉर्मूला लगा देता हूं, इक्वल ए एन डी एंड, कि अगर प्रोग्रेसिव हो और हमने बोला कि ए जो है नॉट इक्वल टू ऑल होना चाहिए, ठीक है सर? B1 not equal to all. B2 एंड नहीं, यहाँ पे और लगेगा आई थिंक, तब भी आर एफ आर है। बी वन से कोई लिंक है क्या? लग रहा है कोई बी वन से लिंक है शायद। तो बी टू बना तो दिया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई बी वन से लिंक है, क्योंकि आर एस का एरर क्यों आ रहा है? चलिए इसको फॉर्मूला एवलेट करते हैं, पता चले कि कहां पे एरर आ रहा है। अच्छा, या नॉट इक्वल को जगह पे इक्वल टू करता हूं मैं, हाँ या इक्वल टू करना चाहिए था सर, सॉरी ये आपका ए आई सी 12 ही है ना, बस हाँ सही दे रहा है। बी वन को रिलीज कर देते हैं फोर से, अभी रिपोर्ट परफेक्टली हमारा हो गया। ठीक है सर, तो मुझे लग रहा है कि एक चीज आपको समझ में आई नहीं है, तो ये फाइल मैं आपको मेल कर रहा हूं, आप इसको एक बार समझिए कि आखिर है क्या है। देखिए इस चीज को मैंने प्रोग्रामिंग से किया था,
जो चीज आप देख रहे हैं इसको मैंने वीके माइक्रो प्रोग्राम से बनाया है, ऊपर देखिए ठीक है। लेकिन मेरा चैलेंज था कि नहीं वीवीए माइक्रो प्रोग्राम से नहीं, मुझे इसको नॉर्मल एक्सेल से करना है। फाइल में गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कैसे हैं सर? कल की और आज की रिकॉर्डिंग भी भेजिएगा। हाँ जरूर जरूर भेज दूंगा मैं आपको, वो रिकॉर्डिंग मैं शाम को अपलोड करूंगा।